ऐसी सेवा करते नाभादास जी, जिनका अब नाम हो चुका है श्री नारायण दास जी। श्री नारायण दास जी ऐसी सेवा अपने सतगुरु भगवान की करते, उनके दरबार में आए सभी भक्तों से ऐसा ही स्नेह करते कि मेरे सतगुरु देव भगवान का प्यारा है, इसे किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, इसलिए उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते। एक दिन की बात है, श्री अग्रदेव जी महाराज अपनी मानसिक सेवा से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के स्वरूप के आगे बैठ कर के उनके नाम का चिंतन कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, प्रभु के नाम का स्मरण चल रहा है, अपनी प्रभु की भक्ति में लीन है, खोए हुए हैं अग्रदेव जी। ना जाने एकदम से क्या हुआ, वो बैठे बैठे आंखें सी सुकोड़ने लगे। वहीं नजदीक में नाभादास जी, श्री नारायण दास जी, श्री अग्रदेव महाराज जी को पंखा झुला रहे हैं, क्योंकि उस समय कोई पंखा नहीं होता था, जो इलेक्ट्रिक फैन होते हैं, बिजली नहीं थी, हाथ से पंखे की सेवा कर रहे हैं, पंखा बुहार रहे हैं अपने सदगुरुदेव भगवान को। नाभादास जी देख रहे हैं श्री नारायण दास जी कि किस बात की चिंता मेरे सदगुरुदेव कर रहे हैं, किस विषय से परेशान है, ये दुख देखा नहीं गया नारायण दास जी से। नेत्र बंद किए नारायण दास जी ने और देखा कि मेरे सदगुरुदेव भगवान का प्यारा जो किसी विदेश की यात्रा कर रहा है, नदी के मार्ग से जा रहा है, उसकी कश्ती भंवर में फंस गई है और वो जोर जोर से पुकार रहा है कि महाराज बचाइए, अग्रदेव जी महाराज बचाइए, मेरे सदगुरुदेव भगवान बचाइए, और इसी विषय में मेरे सदगुरु परेशान है। अग्रदेव जी महाराज की सिकुड़न को देख करके, उनकी बहों को देख करके कि किस प्रकार मेरे सदगुरुदेव भगवान चिंता में हैं, जोर जोर से नारायण दास जी पंखा हिलाने लगे। और अभी अग्रदेव महाराज जी देख ही रहे थे इस दृश्य को कि नैया पार हो गई, किनारे लग गए। अग्रदेव जी महाराज के नेत्र खुले, देखा कि नारायण दास आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। अभी मैं सोच ही रहा हूं कि किस प्रकार अपने इस भक्त की रक्षा करूं, आपने इस पंखे को इतनी तेज झला, इतनी तेज बुहारा कि उसके नैया पार हो गई, भव से पार हो गई। आप धन्य हैं श्री नारायण दास जी। अग्रदेव जी महाराज जी बोलने लगे, नारायण दास जी महाराज शीश नवा करके सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ गए कि प्रभु मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं गई, क्षमा कीजिएगा यदि मुझसे कोई अपराध बन गया है, पर मेरे से आपकी तकलीफ देखी नहीं गई। आपके भक्त का प्रेम आपको जो पुकार रहा था, मुझे मालूम था कि आज कुछ अनहोनी हो गई तो मेरे सदगुरुदेव भगवान और चिंतित होंगे, परेशान होंगे, इसलिए मैं आपकी सेवा में मैंने दखल कर दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु। अग्रदेव जी बोले कि नहीं प्यारे, तूने कोई अपराध नहीं किया, आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया है, आज से मैं आपको आज्ञा देता हूं नारायण दास जी, आप आज से श्री भक्त माल कथा को लिखना प्रारंभ कीजिए और उसमें अनेकों अनेक भक्तों का चरित्र लिखिए। इस भक्त माल के रचयिता श्री नाभादास जी, श्री नारायण दास जी। अग्रदेव महाराज जी ने आज्ञा दी कि आप इस भक्त माल कथा को लिखिए, लेकिन नारायण दास जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि प्रभु आप मुझे किसी भगवान का चरित्र कहते तो शायद मैं लिख लेता। भक्तों की अनेकों अनेक लीलाएं हैं, अनेकों अनेक जगहों पर भक्त हैं, मैं किस प्रकार भक्त का चरित्र लिख पाऊंगा, अनेकों अनेक चरित्र हैं, किस किस भक्त का लिख पाऊंगा। अग्रदेव जी महाराज बोले
कि नारायण दास जी आप चिंतित मत होइए, आपने मेरी चिंता का निवारण किया है शिष्य होने के बावजूद, और मैं आपके इस दुख का निवारण, आपके इस शोक का निवारण, आपके इस संदेह का निवारण करता हूँ कि आप जिस भी भक्त को याद करेंगे, अपने स्मरण करेंगे, अपने हृदय से पुकारेंगे, वो भक्त आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा और अपना चरित्र स्वयं आपसे लिखवाएगा। इसलिए इस भक्त माल को इतना ऊंचा स्थान दिया गया, इतना ऊंचा स्थान दिया गया। आप जानते हैं कि भक्त माल कथा सुनने से मिलता क्या है? आप यहां से जाएंगे, किसी को बताएंगे कि हम श्री भक्तमाल कथा को सुन करके आए हैं, लाभ क्या है? जैसे श्रीमद् भागवत भागवत कथा को आप सुनते हैं, गीता को सुनते हैं, उससे आपको क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, इससे मोक्ष मिलने वाला कतई नहीं है। आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला इस कथा से, इस ग्रंथ से। आप सोचते होंगे फिर क्या मिलेगा? भक्तमाल कथा को सुनने वाले को ठाकुर अपने चरणों में भी जगह नहीं देते प्यारे, ये भी ध्यान रख लेना। सत्य बता रहा हूं, व्यास पीठ पर पे बैठ करके झूठ बोलना सख्त मना है। दरिद्र का भोगी है यदि व्यास पीठ पर बैठ करके कोई झूठ बोले। व्यास महाराज जी सत्य कह रहा हूं, आपको श्री चरण भी प्राप्त नहीं है ठाकुर के। आप कहेंगे फिर क्या प्राप्त है? भक्त माल कथा को सुनने वाले व्यक्ति को, भक्त को नारायण की गोद प्राप्त है प्यारे, नारायण की गोद प्राप्त है। चरण प्राप्त नहीं है। जिनको भोग अरोगा जाता है इस कथा के आनंद से, जिनको शयन कराते समय उनके पास इस ग्रंथ को रखा जाता है, तो आप अनुभव कीजिए ये इस ग्रंथ की क्या महिमा है। भागवत गीता भक्तों के लिए है और भक्त माल मेरे ठाकुर के लिए है, इतनी पवित्र कथा है। और मैं तो कहता हूं मैं पापी हूं, पापी से ही, लेकिन कहता हूं मेरे लिए भक्त माल भागवत गीता से भी ऊपर है। यदि ये सुख प्रदान करती है मेरी सरकार को, तो मेरे लिए इससे ऊंचा कोई ग्रंथ है ही नहीं, इससे ऊंचा कोई ग्रंथ है ही नहीं। आइए एक बार प्रार्थना करें प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु प्रसन्न हो, मुस्कुराएं इस भक्त माल कथा को सुन करके, फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहरिया रे, नंदलाल सवरिया मेरे। गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के अग्रदेव महाराज जी ने जब आज्ञा दी तो श्री नारायण देव जी ने नारायण दास जी ने पूछा, महाराज आपने अगर ऐसी आज्ञा है आशीर्वाद है तो मैं इस ग्रंथ को जरूर लिखूंगा, मैं इस पुस्तक को जरूर लिखूंगा। ऐसी आज्ञा पाकर के शीश नवा करके अगले ही दिन प्रातः काल आदेश दिया कि आज से आप और कोई सेवा नहीं करेंगे, आप मेरे ठाकुर की केवल यही सेवा कीजिए, इस भक्त माल को लिखना प्रारंभ कीजिए। प्रातः काल की बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं श्री नारायण देव जी, नारायण दास जी, और अपने सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद पाकर के आज वो प्रारंभ कर रहे हैं लिखना। और सबसे पहले ये श्लोक लिखते हैं श्री नारायण देव जी, नारायण दास जी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद पंकज किए, नासत विघ्न इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न मंगल आदि विचारी रही, वस्तु न और अनु, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रू, संत निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजीबे को दोई सुधर के हरी दा, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को जसगा, भव सागर के तरण को प्यारे नाहिन ओरे उपा। ऐसा कह करके श्री नारायण दास जी ने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया। अभी मैंने आपसे कहा कि इस कथा को सुनने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है इस व्यासपीठ से उतरते ही कुछ लोग मुझे पकड़ लें कि आपने आपने निमंत्रण पे लिखा है मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर पितृ पक्ष में मोक्ष, पितृ मोक्ष हेतु 3 दिवसीय भक्तमाल कथा का आयोजन। जब मोक्ष नहीं है तो आपने ऐसा संदेश दिया क्यों? आपने अभी व्यासपीठ से कहा कि मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर आप कह रहे हैं। प्यारे ठाकुर के संदेश को समझिए। एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया कि मेरी दुकान में सेल है, सेल है, सेल है, आप जिस भी वस्तु पर हाथ रखे वह वस्तु आपकी है। लालची लोग जाएंगे, कोई मेरी बहन साड़ी पर हाथ रखेगी, कोई टूटी पर हाथ रखेगी, उस पर रखो भैया टूटी बह रही है, उसे भी बंद कर दो। कोई किसी वस्तु पर हाथ रखेगी, कोई किसी चीज पर हाथ रखेगी, वो चीज अपनी कर लेगी, कोई जेवर पर हाथ रखेगी, सोनू भैया जैसा कोई हुआ तो कैमरे पर हाथ रख करके कैमरा ही ले जाएगा, अरे कैमरा मिल रहा है भैया, लाखों रुपए की चीज है। लेकिन यदि कोई संत से पूछे कि मुझे किस वस्तु पर हाथ रखना चाहिए तो संत बताते हैं कि आप दुकानदार के ऊपर हाथ रख दो, अरे दुकानदार भी तेरा, दुकान भी तेरी, सारा माल तेरा, सारा माल तेरा।
इसलिए मैंने कहा, इसलिए ये संदेश पहुंचाया, यदि प्रभु रीझ गए, प्रभु मेरी करतार रीझ गई, मेरी सरकार रीझ गए, अरे आपको पितृ दोष क्या, आपके जीवन में कोई सा भी दोष रहने वाला ही नहीं है प्यारे, कोई भी दोष रहने वाला ही नहीं। आप रिझाकर को तो देखो, अरे सुदामा के केवल कंदुल पर, कुछ मुट्ठी कंदुल पर, चावल पर रीझ गए। विदुरानी के केले नहीं खाए, केवल छिलकों पर रीझ गए। आज से कुछ वर्ष पूर्व महाराज जी कुछ पद लिखे थे, जब लोगों ने नाम के आगे रसिक जोड़ दिया, ब्रज रसिक मनीष कपिल बावरा, तो इच्छा हुई कि कोई पद लिखूं कि मेरे एक ना एक दिन तो जाना है, सत्य है, तो शायद मेरे जाने के बाद भी इस पद का कोई गायन करे। इसलिए मैंने लिखा कि चोरी चोरी तुझे दुनिया कहे, अरे चोरी का माखन खूब तैने खाया है, ऐसा क्या था अर्जुन के पाले में, प्यारे गीता का सार तूने आप ही सुना। अरे चोरी चोरी चोर तुझे दुनिया कहे, किसी का चित चुरा लिया, किसी का माखन चुरा लिया, किसी का चीर चुरा लिया, अरे तू है ही चोर। कि चोर 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 तुझे दुनिया कहे, अरे चोरी का माखन खूब तैने खाया है, ऐसा क्या था मीरा के भजनों में, विष के प्याले में नजर तू ही आया। अरे चोर 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 तुझे दुनिया कहे, चोरी का माखन खूब तैने खाया है, ऐसा क्या था विदुरानी की आहों में, प्यारे केले का छिलका नजर नहीं आया। विदुरानी क्या पहुंचे, विदुर जी बाहर थे, विदुरानी ने ठाकुर को भोग लगाने के लिए उनकी छटा को देख करके ऐसी मूर्छा हो गई कि केला छील करके केला फेंक रही है और छिलका दे रही है, मेरे ठाकुर केले का छिलके का ही भोग आरोगने लग गए। अरे ऐसा क्या था विदुरानी की आहों में, चोर 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 तुझे दुनिया कहे, प्यारे चोरी का माखन खूब तैने खाया, ऐसा क्या था द्रौपदी की पुकारों में, प्यारे साड़ी का चीर तूने आप ही बनाया। अरे चोर 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 तुझे दुनिया कहे, चोरी का माखन खूब तैने खाया है, ऐसा क्या था सुदामा के चावल में, दोनों लोगों का वाल तूने तय पे लुटाया, ऐसा क्या था प्रभु। तो मेरे दिल के भाव हैं कि शायद प्रभु अपने भक्त से कह रहे हैं, मुझे उत्तर मिला मेरे ठाकुर से, मेरी सरकार से, कि चोर 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 मुझे दुनिया कहे, ये ठाकुर कह रहे हैं, अरे चोरी का माखन खूब मैंने खाया, सुदामा द्रौपदी अर्जुन विदुरानी प्यारे मीरा ने भी मुझको दिल से पुकारा, सारी बात हृदय की है, प्रेम की है। प्रभु की भक्तमाल कथा को आप पढ़ेंगे तो जान पाएंगे, प्रभु ने सबसे ज्यादा दीदार गृहस्थियों को दिए भैया, गृहस्थियों ने कोई योग नहीं करा, कोई तपस्या नहीं करी, विरागी बाबा काले खां मुसलमान था, ताज खान वो भी मुसलमान था, सदना कसाई वो भी मुसलमान था, रस खान जी वो भी मुसलमान थे, गुलाब खान बाबा वो भी मुसलमान थे, लेकिन उन सबको अपने परिकर में शामिल कर रखा है आपने, कारण सिर्फ प्रेम की बात है, जिसने प्रेम से पुकारा प्रभु दौड़े दौड़े आए। इसलिए मैंने ये संदेश आप सब तक पहुंचाया कि प्रभु रीझ गए तो ना जाने क्या दे देंगे, इसलिए प्रेम की बात है, और प्रेम है जहां
पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया ना कोए ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसीलिए कहा प्यार बोली श्री नारायण दास जी महाराज की, बोली श्री नाभदास जी महाराज की, बोली श्री भक्तमाल ग्रंथ की। आइए 15 मिनट और प्रयास करता हूं कि एक छोटे से भक्त किसी जो छोटे से शब्दों में 15 मिनट के अंदर एक भक्त का और गायन हो जाए ताकि आप तक एक और भक्त का चरित्र आ जाए, क्योंकि 2 दिन शेष है। मेरी तो इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जितना मेरे सतगुरु भगवान ने मुझ पर कृपा करके मेरे को भक्तों का चरित्र मेरे को सुनने के लिए संतों से मिला है वो प्रसाद समझ के आप सबके संग बांट करके उस प्रसाद को ग्रहण करूं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चरित्र को बखान सके, इसलिए आइए इस कथा में एक और चरित्र आता है, एक और भक्त का नाम आता है श्री गोविंद दास जी, जिन्होंने इस श्री मद भक्त माल कथा को सबसे पहले नाभा दास जी ने गोविंद दास जी को सुनाया। गोविंद दास जी ने इस भक्त माल को सर्वप्रथम सुनकर के कहा कि हाँ, यह ग्रंथ मेरे ठाकुर को श्रवण करने के लिए है, आनंद देने के लिए है। तो जरा भुजा उठा करके एक बार जय घोष के साथ बोले श्री गोविंद दास जी महाराज की। आइए यहाँ बैठने से पहले मैं बड़ा सोच विचार कर रहा था कि आज किस भक्त का चरित्र गाया जाए। मैंने अपने प्रिय हमारे हैं बड़े भैया, बहुत स्नेह करते हैं श्री रवि खुराना जी, श्री सुदीप भैया रस्तोगी जी, बहुत प्रेम करते हैं। मैंने इनसे कहा, मैं कहा भैया आज कौन सा चरित्र गाया जाए। भैया बोले जो ठाकुर जी सुनना चाहेंगे आप व्यासपीठ पे पूछो, जो सुनना चाहेंगे वही अपने आप आपके आगे आ जाएगा। तो श्री सदना कसाई, श्री काले खां, ताज खां, इन सब का चरित्र आपके संग रखेंगे। उससे पहले एक और चरित्र श्री नामदेव जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जिनको 172 बार मेरे ठाकुर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, 172 बार। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं वामदेव जी। मैं ये कथा पूरी नहीं कहूंगा आज, छोटी सी बीच में कहकर के इसको विश्राम देंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। आज सुबह से ही कार्यक्रम था, सुबह वर्षा के कारण कलश यात्रा भी लेट हुई, भक्तमाल कथा भी लेट प्रारंभ हुई, देर से भोग विश्राम हो रहा है। कल आप सबसे निवेदन है समय से पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए। कल ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे, तो कल ये कथा पूरी करेंगे। उससे पहले महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं श्री वामदेव जी महाराज, उनकी बेटी हुई है जिसका नाम है गुराई। पहले क्योंकि बालकाल में विवाह कर देते थे, गोराई का बालकाल में विवाह हो गया, लेकिन गोना होने से पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अपने मायके में ही डोली उठने से पहले ही वे कन्या विधवा हो गई। संत जो है वो प्रभु के लीला को पहचान जाते हैं, बोले इसके नसीब में यदि सुख नहीं है तो इसके कितने भी विवाह कर लूं, सुख नहीं है तो नहीं। प्रभु चाहते हैं किसका अंगीकार मैं करूं, ये मेरी दासी रहे। इसलिए उसको बोल दिया, गोराई तू चिंता मत कर, आज से तेरा पति, आज तेरा परमेश्वर ये हरि जी महाराज हैं, श्री हरि जी महाराज हैं। गोराई ने अपने पिता श्री वामदेव जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए श्री हरि जी महाराज को, विठल जी महाराज को अपना पति स्वीकार कर लिया। जैसे एक अर्धांगनी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार गोराई भी श्री हरि जी महाराज की सेवा में लीन हो गई। सुबह उठती तो उनसे पूछ करके भोजन पकाती कि हे श्री हरि जी महाराज बताइए आज आप क्या खाएंगे। अनेकों अनेक बातें करने के बाद जो मन में भाव आता, अच्छा आज आप ये खाना चाहते हैं तो आज मैं यही पकाऊंगी, पका देती।
आपको वस्त्र कौन से पहनाऊं, अनेकों वस्त्र श्री हरि महाराज के श्री विग्रह के सामने रख देती। विठल जी, श्री हरि जी महाराज, आप बताइए कौन से वस्त्र आज आपको पहनाऊं, जिस पे भाव रीझता, जिस पे हृदय रीझता, वही वस्त्र पहना देती। इसी प्रकार वो केवल अपने पति परमेश्वर श्री हरि जी महाराज की सेवा में लीन रहती। एक दिन पड़ोस की एक औरत अपने बालक को लेकर के गोराई से मिलने आई। गोराई उस बालक को देख करके उसके मन में एक ममता जाग गई। औरत के बहुत रूप हैं, जिधर वो अर्धांगिनी है उधर वो एक माँ भी है। उसकी माँ में ही ममता जाग गई उस बालक को देख करके कि हे करुणा निधान, मैं एक पत्नी तो हो गई लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। इतना सुंदर बालक है, क्या ये बालक मेरा भी हो सकता है? ऐसा विचार करके एकदम से जागी, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो विधवा हूँ, मेरे बालक कैसे हो सकता है? फिर बोली, नहीं मैं विधवा नहीं हूँ, मेरे पति ने मुझे कहा है, मुझे स्वीकार किया है श्री हरि जी महाराज ने, मेरे पति हैं। अनेकों अनेक, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कहते कहते प्रभु से पुकार करने लगी कि प्रभु मेरा तो केवल भाव था कि मेरा पुत्र हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो दे देना। कुछ ही समय व्यतीत हुआ, गोराई गर्भवती हो गई। गोराई गर्भवती हो गई। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि विधवा गोराई गर्भवती हो गई है। लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे कि गोराई चरित्रहीन हो गई है, इसकी चादर पर दाग है, कुलटा व्यभिचारिणी, ना जाने क्या क्या उसको गालियां देने लगे गोराई को। पिता के कान तक यह बात पहुंची, वामदेव जी तक। घर में क्योंकि कोई औरत नहीं है, पिता कैसे ये दुख बाटे अपनी बेटी के संग। लेकिन दिल पर, अपने हृदय पर पत्थर रख के वामदेव जी ने पूछा, गोराई मैं तुझसे पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन गांव में ऐसी ऐसी बात है, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे डूबकर मर जाना चाहिए? अरे पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप भी औरों की तरह मुझे गलत समझ रहे हैं, चरित्रहीन समझ रहे हैं? मैंने श्री हरि से पुकार करी है, उनसे मैंने संतान मांगी है, ये हरि की संतान है, मैं हरि के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ ये संतान हरि की है, श्री हरि जी की है, श्री विठल जी की है। आज वामदेव जी दोनों भुजा उठा करके झूमने लगे, खुश हो गए, नृत्य करने लगे। एकदम से रोती रोती गोराई बोली कि अरे पिताजी, आप अभी आप दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, और एकदम से आप खुश हो गए। बोले, यदि ये तेरा पुत्र है तो आज से मैं श्री हरि का ससुर हो गया, श्री हरि का ससुर हो गया। अरे मैं प्रभु का ससुर हो गया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। यदि ये तेरा पुत्र है, मैं इसका नाना हूं, तो ये मेरा, मैं इनका ससुर हो गया, आज प्रभु मेरे दामाद हो गए। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। कुछ समय व्यतीत हुआ, समय के साथ साथ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। नामकरण का दिवस आया, सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया। जिस भी दरवाजे पर वामदेव जी जाते, दरवाजा खटखटाते, वह दरवाजा बंद मिलता। अरे हम आपके इस कुकर्म में आपका संग नहीं करेंगे, इस बच्चे का नामकरण नहीं करेंगे, ये उल्टा है, व्यभिचारिणी है, हम इसके संतान का नामकरण करके पाप के भागी नहीं बनेंगे, ये अपराध नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी अनेक बातें ब्राह्मणों ने कही, लेकिन वामदेव जी
निराश हुए, लेकिन उनके हृदय में विश्वास था कि श्री हरि जी महाराज अपने आप कोई रास्ता निकाल देंगे। उन्होंने नामकरण संस्कार की तैयारी करी, गोराई को अभी बताया नहीं। गोराई बार बार पूछ रही है पिता से, पिताजी ब्राह्मण नहीं आए, अरे मेरे पुत्र का नामकरण होना है, अभी कोई ब्राह्मण नहीं आए। वामदेव जी रो पड़े कि कहां से लाऊं वो ब्राह्मण जो तेरे इस पुत्र का नामकरण कर दे, किस ब्राह्मण को पकड़ के लाऊं। ये तेरे मेरे प्रेम की बात है कि हम समझ सकते हैं श्री हरि की संतान है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। क्या कहूं मैं इन लोगों को, कैसे समझाऊं। आज गोराई अपने उस बालक को ले जाकर के श्री हरि के श्री चरणों में रख दिया और प्रभु से पुकार कर रही है, प्यारे कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सताती है। बेशक शब्द कुछ और होंगे गोराई के, लेकिन भाव यही होगा, भाव यही होगा। शब्द कुछ और होंगे, भाव यही होगा प्यारे। कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सताती है, तेरी याद सताती है। आ जावे तेरी याद सताती है, तेरे पाजो दिन नहीं लंघदा, घर आजा परदेसी सजना, परदेसी सजना, घर आजा परदेसी सजना, तेरे पाजो दिन नहीं लंघदा, घर आजा परदेसी सजना, घरे आजा परदेसी सजना, घरे आजा परदेसी सजना। दुख दूरों नहीं मुकदे, दुख दूरों नहीं मुकदे, नेड़े होया मुकदे। कान्हा तू आ जावे, तेरी याद सताती है, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। करा की इलाज काना अपनी जुदाई दा, चोट लगी है दिल ते डाटी, सजना जिंदगी रुल गई साड़ी, तू भी हाल नहीं पुछ दे, ना अथरू रुक दे, तू भी हाल नहीं पुछ दे, ना अथरू रुक दे। Oh,
हमें दीदार हो जाता। ना चिंगारियां है ना आतिश न शोले, गुराई पुकार कर रही है प्रभु। ना चिंगारियां है ना आतिश न शोले, मैं जलवों से तेरे जलाई गई हूँ। मेरे हाल दिल पे ए हंसने वालों, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ। जिस दिन दा माही बिछड़ गया, मैनू सौन दे चेते भूल गए ने, ऐसे चल पे वाल रकीबां दे ओनू आन दे आन दे चेते भूल गए ने, ओनू आन दे चेते भूल गए ने। ओ वादा कर गया देखिए मैं आप
साजन तुम्हें पुकारा प्यारे साजन तुम्हें पुकारा प्यारे मन में भाव उभारा प्यारे मन में भाव उभारा प्यारे मन में भाव उभारा कितनी बार हरी आँखों ने कितनी बार हरी आँखों ने तेरा पंख निहारा अरे तेरा पंख निहारा किंतु सखे तेरी नैन कोरता किंतु सखे तेरी नैन कोरता इक ना हुआ इशारा इक ना हुआ इशारा सांवरिया 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 ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना ओ मैं नाचूं श्री राज मैं नाचूं तू का सांवरिया मैं नाचूं तू का सांवरिया की बार बहे इस जन में जिनको भगत माल की कथा में आनंद आया हो थोड़ा सा भी वो जरा खड़े हो जाओ अरे ठाकुर के दरबार में आए हो हाजी लगाओ क्योंकि कन्हैया की बांसुरी सुन कर के तो ब्रिज के मोर पशु पक्षी सब नाचते थे अरे आप तो मनुष्य हो फिर भी आपका अगर मन में नाचने का भाव ना आए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है रस की धार बहे इस मन में 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 अनुपम प्यार 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 बहे इस मन में हर एक प्राण पुकारे प्रीति हर एक प्राण पुकारे पीपी हर एक प्राण पुकारे प्रीति ऐसी तार हिला सांवरिया 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 ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया ऐसी तान सुना सांवरिया नाचूं तूगा सवरिया मैं नाचूं तूगा सवरिया मैं नाचूं तूगा सवरिया मैं नाचूं तूगा सवरिया सवरिया जय हो सवरिया ऐसी तान सुना सवरिया ऐसी तान सुना सवरिया ऐसी तान सुना सवरिया ऐसी तान सुना
नैनन होए भाव सुवन का, पग पग फिर उठे जीवन का, पग पग उठे उठे जीवन का, पग पग फिर उठे जीवन का, पग पग फिर उठे जीवन का। अरे रसिकों की रसकों की पदरज मस्तक के, रसकों की पदरज मस्तक के, रसकों की पदरज मस्तक के, रसकों की पदरज भगवन के। देवे लेख मिटा समरिया, जय हो समरिया, जय हो समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया। समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान सुना। अरे हर जा तेरा रूप निहारू, हर जा तेरा रूप निहारू, हर जा तेरा रूप निहारू, जागत तुम्हें पुकारू, सोवत जागत तुम्हें पुकारू, सोवत जागत तुम्हें पुकारू, सोवत जागत तुम्हें पुकारू। हरिहर हरिहर मन की कुटलाई, हरिहर मन की कुटलाई, हरिहर मन की कुटलाई, हरिहर कुटलाई, प्रेम की जोत जगा समरिया, ओहो समरिया, समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तू का समरिया, मैं नाचूं तू का समरिया, मैं नाचूं तू का समरिया, मैं नाचूं तू समरिया, मैं नाचूं तू का समरिया, ओहो समरिया, समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान सुना, समरिया ऐसी तान कान्हा तू आ जावे तेरी याद सतांदी है। सिर्फ पांच मिनट और शेष है, सभी प्रसाद लेकर के जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ऐसी करुण पुकार सुनकर के मेरे श्री हरि के नेत्रों में आज अश्वन की धार बह उठी। राधे राधे, राधे राधे। कि आप बात करते हो मेरा ध्यान पलट जाता है, कहना कुछ और चाहता हूँ मुंह से कुछ और निकल जाता। राधे राधे। ऐसी करुण पुकार करी, अपने उस बालक को श्री हरि के चरणों में रख दिया कि प्रभु ये बालक आपका है, यदि आज इसका नामकरण नहीं हुआ तो मैं इस बालक को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। 7 दिन का वो बालक, नन्ना सा मासूम, जिसकी अभी नेत्र भी नहीं खुले, जिसने अभी संसार नहीं देखा, आज वो कैसे दहलीज पर आ गया, आज वो कैसे दहलीज पर आ गया। करुण पुकार कर रही है गोराई, अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती। प्रभु मैंने सुना था कि आप हर किसी की झोली भरते हो, मैंने तो ऐसे ही भाव आ गया और आपसे निवेदन कर दिया एक बालक की पुकार के लिए, आपने मेरी झोली भरी है, अब इसको मंजिल तक पहुंचाइए। प्रभु
कि अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती, अगर तेरे दर पे सुनवाई ना होती तो चल के ये हलकत भी आई ना होती, गर एक की भी झोली भरी ना होती, गर एक की भी झोली भरी ना होती, प्यारे मैंने भी झोली फैलाई ना होती। कर्ण पुकारे कर रही है गोराई की, प्रभु आपने यदि एक की भी झोली नहीं भरी तो मैंने आपके दरबार में मैं झोली नहीं फैलाती, आप मना कर देते, पर मैंने सुना है आपसे जो कोई मांगता है आप उसको वह वर देते हैं। मैंने तो ऐसे ही आपसे कह दिया ये बालक दिया है तो इसका नामकरण हो। इतनी देर में गड़गड़ाहट हुई बादलों की, बिजली चमकने लगी और एकदम से मेरे प्रभु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा गोराई तू चिंता मत कर, इसका यदि कोई ब्राह्मण नामकरण नहीं करता तो इसका नामकरण आज इसका पिता होने के नाते मैं करता हूँ, इसका नाम एक देव रख रहा है तो इसलिए इसका नाम है श्री नामदेव। बोले श्री नामदेव जी महाराज की। आज उस बालक का नाम हुआ है श्री नामदेव जी, प्रभु ने स्वयं रखा उस बालक का नाम, नाम हुआ नामदेव। के इश्क के रिश्ते कितने अजीब होते हैं, दूर रहकर भी कितने करीब होते हैं, मेरी बर्बादी का गम ना करो, ये तो अपने अपने नसीब होते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, आज जमाना कुछ भी कहे मुझे आज ये प्यार का सौदा स्वीकार है, आज से मैं इसको नामदेव कह करके ही पुकारूंगा। आइए, नामदेव जी का नामकरण हुआ है और नामकरण के समय मिठाई बनती है, मिठाई बटती है और आज की मिठाई, आज का भोग, मैं तो राजभोग कहूंगा इसको। ठाकुर को अनेक प्रकार के भोग लगते हैं, बाल भोग, राज भोग, आज का प्रसाद श्री अनेजा जी के द्वारा, मैं तो बिट्टू भैया नाम जानता हूं, पूरा नाम तो मुझे पता नहीं, बिट्टू भैया ही है ना, बिट्टू अनेजा जी के द्वारा आज का प्रसाद, ये मानिए कि आज नामकरण का प्रसाद श्री बिट्टू अनेजा जी के द्वारा आज प्रभु को भोग लगा है और आप सब में वितरण होगा, आप सभी इस प्रसाद का आनंद लें और कल आगे की कथा में आप सभी सुनेंगे किस प्रकार नामदेव जी का जीवन आगे बढ़ा, किस प्रकार 172 बार दर्शन मेरे ठाकुर के नामदेव जी को हुए। लेकिन यहां से उठने से पहले आप सबको एक वादा करना है, हम सबको मेरे ठाकुर ने कितने हाथ दिए हैं, दो। आपको यदि मैं कहूं कि एक कार्य है आपको करना है, उस कार्य से आपको यदि उस मनुष्य को 1,00,000 रुपए प्राप्त होंगे तो उसमें से 10,000 आपके हैं। चैन बनाने वाला सिस्टम जो आजकल गति से है, और दो व्यक्ति यदि आपने इस सर्कल में बना दिए उनको 1,00,000 मिलेगा और आपको 20,000 मिल जाएंगे, तो ये सौदा आपको स्वीकार होगा। रे लागत तो कुछ है ही नहीं, किसी को ही तो लगाना है,
तो ऐसा ही अवसर मेरे ठाकुर ने भी आपको दिया है, दो भुजाएं दी हैं। कल आते समय कम से कम दो व्यक्ति को हाथ पकड़ के इस आनंदमय भक्तमाल कथा में लेकर के आइए, उनका भी पुण्य आपको 10-10% मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और आप ठाकुर से वादा करिए कि हाँ ठाकुर जी, हम आपके नाम का आनंद औरों तक भी पहुंचाएंगे। ना जाने आपके कारण ऐसा व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ जाए जिसकी तार करतार से डायरेक्ट जुड़ी हो, और ना जाने ठाकुर शायद उसी की ही पुकार सुन करके यहाँ आप सभी को दर्शन देने आ जाए। प्यारे, जरा हाथ उठा करके ठाकुर जी से वादा करते हुए बोले, बाकी बिहारी लाल की जो बस में आए हैं वो वादा कतई ना करें। कहाँ ढूंढोगे भैया, घाट पर जाओगे क्या? बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज जी, क्योंकि अभी अभी श्री नामदेव जी का नामकरण हुआ है, और नामकरण के समय तो बधाई बाजती है, तो क्यों ना बधाई महोत्सव हो जाए। आइए बधाई गायन के साथ।